भाई आखिर तक देखनी चाहिए वीडियो। हाँ बिल्कुल आखिर तक, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। हाँ हाँ जानी ये शेरखान जो है ना सुख पी रहा है, सही मजा है और बहुत उसको मजा आ रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है। रिपोर्ट ये कि मैम कह रही थी कि आप 16 साल का हो, मैंने कहा यार मैं तो 16 साल का हूँ, और रिपोर्ट ये आई है कि मतलब डिंगे आपको नहीं है। वालेकुम वेलकम बैक टू मंडी आ रहे हैं, कैसे हो भाई? वो तो कैसे ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, जाना है आदित भाई का खाना। आदित भाई आपने कहाँ जाना है? हम बस जा रहे हैं नेस्टर की तरफ, और थोड़ा ये इस लड़के का वो मतलब फीवर आप कहाँ जाते हो? मैं बस आपके साथ जा रहा हूँ, एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, बस दिल बुर हो रहा था, कमरे में बुर हो रहा था बुर। हाँ बीत भाई हो गया डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने कुछ तो अभी हम लोगों ने जाना है शहर मुल्तान शहर यूनिवर्सिटी से, अभी जा रहे हैं तो मिलते हैं फिर शहर में। तो आप लोग मेरे साथ रहे और वीडियो आखिर तक देखिए। ये बंदा आप देख रहे हो, ये भाई जा रहा है ऐसे रोजे थे। किधर जा रहे हो भाई जान? अच्छा अमीन अमीन। चीज़ें निकले तो अभी जा रहे हैं हम लोग मेट्रो की तरफ, मेट्रो में जाएंगे मुल्तान के शहर घूमेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिए और ट्रिप एंजॉय कीजिए। राजी तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी बैठा हुआ है ये नसीम और ये साकिब जिया। यस साकिब जिया खड़ा है, वेट कर रहे हैं शटल का, तो मैं भी खड़ा हूँ पीछे। अभी हम लोग जाएंगे मुल्तान के शहर, सही था वीडियो? तो आप लोग मेरे साथ वीडियो आखिर तक देखिएगा। कैसे साकिब भाई आखिर तक देखनी चाहिए वीडियो? हाँ बिल्कुल आखिर तक, और लाइक भी करें और शेयर भी करें, गलत बात नहीं करो। हाँ बिल्कुल आ गया शटल जाना। ये आखिरकार हमारा शटल पहुंच गया तो हम लोग शटल पे चढ़े। आदित भाई पहुंच रहा है नौ नंबर, ये शटल सारा खाली है, सिर्फ हम तीनों बैठे हुए हैं चारों। आप लोग देख सकते हो एक ड्राइवर बैठा हुआ है, कैलेंडर है और तीन चार हम लोग हैं। अभी ये छः नौ नंबर पे उतरेंगे फिर जाएंगे नाटक। ये हम लोग पहुंच गए छः नौ नंबर। कैसे हो? कैसे ठीक? ये नौ नंबर क्योंकि इसका आखिरी श्यामानी मिर्ची का आखिरी स्टॉप यहाँ पे होता है नौ नंबर पे, इसके बाद आगे नहीं जाते हैं। अभी जाएंगे नाश्ता। क्या है चाचा क्या बोल रहे हो? मैंने जो खान की बात एक होती है। हाँ बस देंगे कर जे या सवार कर जे? बस देंगे देंगे 200 रुपए देंगे। ये है नौ नंबर, हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भाई बहुत ज्यादा बीमार है यार, बहुत ही बीमार ना खूब बात करता है। यह मुल्तान जा सकते हो आप लोग खाने मुल्तान शहर। बाकी बार किया आप कैसे हो? ये बोलता छह नंबर की तरफ हम लोग जाएंगे नस्तर की तरफ, जाएंगे नस्तर। ये है नस्तर, आप देख सकते हो चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर, फार्मेसी ही फार्मेसियाँ।
यहां पे मुल्तान के सारे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट यहां पे बैठते हैं यहां पे अस्पताल भी बहुत ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा अस्पताल डिपार्टमेंट अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट और सर अस्पताल में जो ये सब मैं आप लोग के दोस्त बता रहा हूं سامنے جنا اسپتال دیا ملتان میں سنے یہ جنا ہاؤس لے باہر چیز یہاں پہ موجود ہے جو مجھے ہلکے حوالے سے ہو یہ ایسا نہیں یہ بہت ہی پرانا روڈ ہے بہت ہی پرانا یہاں پہ ہر کسی کے ڈاکٹر آپ کو مل جاتا ہے وہ بھی ایک نسل میڈیکل یونیورسٹی کی ہی روڈ ہے رش چیک کرو رش اور یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی کے جو ہاسٹل بھی یہاں پہ ہے یہ ہم لوگ پہنچ گئے ایک نمبر کہاں پہ بس ادھر ہی ہوں گے ادھر ہی پہنچا ہوں ہم لوگ پہنچ گئے اسپتال بھابی دچی کیا کہا چناب اسپتال پہنچ گئے تو ابھی ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے حبیب بھائی کو چیئر تو تم ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے پانچ ستمبر حبیب کیسے چناب جرنل ہاسپٹل پانچ نمبر روم جانا حبیب بھائی حبیب بھائی ہو گیا کام ہو گیا ڈاکٹر سے ملے اور ڈاکٹر نے کچھ زبردست تکلیف کی ڈسکرپشن بھی بتایا اور اس کی دوائی بھی بتائی ڈاکٹر نے تو یار ابھی وہ خراب پکڑو گے تو کہہ رہے نشتر میڈی روڈ پہ جانا ہے تو ابھی ہم جائیں گے نشتر روڈ پہ احسان میڈم نے بہت زیادہ پیسے لیے یار ہزار ہزار لے پانچ پانچ سو لے سے اچھا ہوتا ہاں سب سے پہلے ایم این اے سے میم کو کہا کہ میں نے کنسیشن کر تو وہ کنسیشن کر رہی تھی لیکن میں ان کو صرف ریمائنڈر دے رہا ہاں تو صرف ریمائنڈر دے رہا آپ پہلے وہ یہ ڈاکٹر ادھر نشتر روڈ جانا ہے نشتر روڈ کون سی جگہ پہ دوست پلازے پہ نہیں ہاں پہلے دو نمبر گیٹ پہ ہاں بیٹھو کتنا ڈیڑھ سو روپیہ ہاں جی کما خراب ہے کیا جاؤ چار نہیں بیس بیس روپے دیتے ہیں ابھی نشتر روڈ جائیں گے نشتر یہاں سے میڈیسن لگائیں گے اللہ کرے کہ ہمارا جو ہماری جو بیماری ہے بالوں کی یہ ختم ہو جائے اور عابد بھائی کے تو میڈم نے بہت اچھے انسٹرکشن دیے ہمیں کہ کس طرح یوز کرنا ہے میڈیسن کو تو کنسیشن بھی کیا ہمارے ساتھ تقریباً ہزار روپے کنسیشن کیا تو میم کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور کامیابی دے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے اور ابھی جائیں گے میڈیسن اٹھائیں گے نشتر روڈ سے حبیب بھائی ستر روپے کنفرم ہو گیا ہاں ستر روپے ابھی ستر روپے بھی ہمیں یونیورسٹی پہنچ جائے گا نشتر میڈیکل کالج اور اس میں ادھر ہم نسیم کا چیک اپ کروائیں گے کیا نسیم کا چیک اپ کروائیں گے اس کا ٹھیک ہے نشتر میں ہاں نشتر میں ہاں ادھر جائیں گے ادھر میڈم نے دی ہوگی سارے ان شاء اللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جلدی ٹھیک ہو ہاں نسیم جا رہا تو بیمار ہو رہا ہے زیادہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ اچھی اچھی لڑکیاں دیکھے اور اس کا وہ کلاسز بھی ہے اور منڈے سے
इसलिए उनको मतलब फिट कर रहा हूँ। अभी तो मैडम ने कहा कि आप ये लाल क्यों हो रहे हो, इतने लाल हो। मैंने कहा मैम हम तो मतलब उधर फाटा के फाटा से मतलब आए, इसलिए हमारा तो इस तरह इलाका है, सर्द इलाका है, और यहाँ के जो लोग होते हैं मतलब वो बस गर्मी से तंग आकर इस तरह वो काले होते हैं, सारा मेकअप का खर्चा इस तरह से काम करते हैं। तो शहजान भाई ने साकिब ने सही इंजॉय किया, साकिब ने हाँ इंजॉय किया, ये फ्री में बहुत इंजॉय किया। फ्री में नहीं, एक दफा कैलकुलेटर लगे गए, दवाई कैसा भी डिवाइड होगा सब पे। हाफिज भाई हर जगह हाफिज भाई दवाई कैसा भी डिवाइड होगा सब पे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मैं डालूंगा यार, ये ज्यादा ले रहा है, बकाया दे दो। 30 रुपए आपने बकाया देने, 30 रुपए सही है। कैसे साकी भाई 30 रुपए में चालीस जा रहे हैं। ये सामने नेशनल मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जल्दी करो। मेडिकल कॉलेज कहाँ, वो मेडिकल स्टोर कहाँ पे? ये सारे मेडिकल स्टोर। थैंक यू, आगे हम जाएंगे एहसान मेडिकल स्टोर। आगे आ जाओ, आगे इस्लाम के एहसान, इस्लाम एहसान मेडिकल स्टोर, इस्लाम बस एहसान एहसान। हाँ आगे आ जाओ, इतना रश है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश है। नहीं एहसान होगा, ये कम्बो कर दीजिए। हमीद भाई रश क्यों है? आज जुमा था इसलिए रश। आप अपनी प्यारी दो नूरानी निगाहों से देख सकते हैं। और एक ऑफिशियल छुट्टी भी आई थी। अरे कहाँ पे है तो पता नहीं, आगे होगा क्या नहीं होगा। सर उधर ही ढूंढते हैं, हबीब भाई उधर चलते हैं। इस्लाम पे चलो, उधर ही देखते हैं। आप आता रहता जी है, पराठे पक रहे हैं। हाँ पाता दर्द है वो खाना कदम से भाई। इतना था अभी था दवाई ने तबीयत खराब किया यार, बहुत ज्यादा। हाँ अभी था तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो चार पाँच हजार। पराठे खाएंगे, चलो उधर चलते हैं। मुझ पर मतलब वो कर दिए एक्सपेरिमेंट, वो भी लाना हो जूम करके। चलो सेट चेंज करो, आ जाओ अभी जाना है, एक और बंदा भी रहता है हमारा, उसमें चेकअप करवाना है डॉक्टर को, जाएंगे नर्सर हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड। सुबह 7 बजे जाते हैं वो इधर दाएं सुबह सर। ये एक्सीडेंट तो नहीं किया है ना? हाँ नसीब में तो एक्सीडेंट नहीं किया कि हमने मजा। किधर जा रहे हैं? बस हो गया काम, हो गया यार। चलो अभी हमारा काम हो गया, हम चलते हैं हॉस्टल, और रास्ते में रोटी भी खाएंगे, फिर जाएंगे अपने हॉस्टल यूनिवर्सिटी की तरफ। ये
चलो नसीम का काम हो गया हमारी रिपोर्ट को और क्या कहना बाकी की रिपोर्ट है रिपोर्ट ये कि मैम कह रही थी कि आप 16 साल के हो मैंने कहा यार मैं तो 16 साल का हूं और रिपोर्ट ये आई है कि मतलब डिंगे आपको नहीं है हां ये बात तो है जबरदस्त मुबारक साकिब भाई खुश हो रहा है क्या भी आज चल जाना ओ थोड़ा रास्ता दे दो भाई सरखान भाई मैं सच कह रहा हूं कि ऐसा नर्स देखा कि मेरा दिल हार बैठा किधर जा मुर्शिद यखनी सूप अभी हम पिएंगे मुर्शिद का यखनी सूप है साकिब भाई आपने अंडा खाना है सिर्फ मैं सिर्फ अंडा खाना है यार तो बस मैंने ये सूप पीना है यार इस सर्दी में ये सूप बहुत ही जबरदस्त ये वाले से मुकोला देखो पतला कहता है ये शेरखान जो है ना सूप पी रहा है सही मजा है और बहुत उसको मजा आ रहा है उसको बहुत मजा आ रहा है बस काट करो काट तो अभी हम लोग जाएंगे अस्पताल से जा रहे हैं नादरन बाईपास की तरफ चलेंगे उधर खाना भी खाएंगे और फिर हॉस्टल चलेंगे या अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ना ना सिंधी पहुंचे अभी जा रहे हैं चल साकिब भाई अभी हमें दिल की इजाजत तो आप लोग मेरी इनवाइट की कि हम लोग जाएंगे अंदर अल्लाह हाफिज कैसे हैं अबित भाई ठीक है बस सुहाना अभी भी आ गए मेट्रो पे हम बैठेंगे और यूनिवर्सिटी के कारण निकालेंगे चलो